करके, क्योंकि जो है अभी फ़िलहाल हम डॉक्टर के पास आए हैं, मेरे को स्किन का मतलब वो रहता है तो वही दिखाने आए हैं। तो अभी चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या क्या होता है। जो है फिलहाल हम आ चुके हैं क्लिनिक, क्योंकि मेरी हो रही है स्किन एलर्जी, ये दिखाने के लिए देखो दाने वाने हो रहे हैं सारे, और यहाँ पे भी ये देखो, तो ये अभी दिखाने के लिए आए हैं। वैसे कोई चीज़ 5-6 महीने से हो रही है, लेकिन टाल रही है, एक अराउंड एक साल, एक साल हो गया, चल तो दिखाया हम वेट कर आ अभी। तो भाई डॉक्टर ने बताया कि इतना स्किन कंडीशन होती है वो है मुझे, और उसकी दवाइयाँ वगैरह लिख के दी हैं, तो चलते हैं दवाइयाँ ले लेंगे बाहर से, क्योंकि यहाँ पे मेनली स्किन का है, तो यहाँ पे स्किन की सारी दवाइयाँ मिलती हैं, लेकिन ये डॉक्टर वाली हैं मेनली डर्मा वाली, तो ये बाहर से ही मिलेंगी। हाँ भाई, क्या कर रही है? बाल ड्राई कर रही हूँ अपने। महंगे वाले से? गिफ्ट से। ओ गिफ्ट से। महंगा सस्ता नहीं होता। ऐसा भी गिफ्ट होता है? ऐसा भी होता है क्या? हाँ, मेरे वहाँ जा भी रही है। और क्या? एक देखो मेरा ड्रायर है, उसकी आवाज़ एक आपका वो खड़ा सा गंदा सा ड्रायर, उसकी आवाज़ तो 1200 और 50,000 में फर्क भी तो होता है, बस हवा हवा का फर्क है, मैं तो कभी ना लूँ। हवा वाला? और क्या, बाल देखो कितने अच्छे हुए हैं, ड्राई नहीं, ड्राई मैंने अपने स्टाइल नहीं कर दी, मैं ड्राई अच्छे इससे नहीं हुए तेरे, वैसे ही अच्छे पागल। हां मेरे बाल अच्छे हैं और बिल्कुल भी नहीं, मैं कह रही देखो इससे ड्राई करे तो कितने सही हो गए, अभी धो के आई थी ना, हेड वॉश करा था। नाइस गाइस, आपको पिछले व्लॉग के अपडेट दे देते हैं कि जैसा कि आपने देखा था कि जो है हम गए थे वहाँ पे एप्पल स्टोर पे, इनका जो दूसरा फ़ोन था 15 प्रो मैक्स जो है पार्ट से लेके आए थे, उसका लॉक खुलवाने, क्योंकि उसका पासवर्ड पता नहीं क्या सेट हो गया था, तो वो लॉक खुलवाने गए थे। तो वो दिखाना एक बार फ़ोन, तो भाई ये देखो हम करवाने गए थे, लेकिन ये फ़ोन भी जो है देखो दिख नहीं रहा है इसमें ढंग से, देखो ये कैसे बुरे तरीके से टूट चुका है, ये भी एक बार वो भी बहुत कम हाइट से गिरा था ये, फिर भी टूट गया, आगे से भी इसकी स्क्रीन देखो यहाँ से दिख नहीं रहा है, पर आगे देखो आगे से भी टूट रखा है आगे से स्क्रैच आ रखे हैं, तो अच्छा टेम्पर्ड है। तो भाई अब इस फ़ोन को भी हमको रिप्लेस कराना पड़ेगा, लेकिन जो ये वाला फ़ोन है इसकी इंश्योरेंस, हमारी जो इंश्योरेंस थी ना उसमें प्रायोरिटी एक्सेस था और एक्सप्रेस रिप्लेसमेंट था, जो उनका फ़ोन है वो हमने भेज दिया था नेक्स्ट डे, तो वो 4 दिन के अंदर ठीक होके आज वो फ़ोन मतलब सुबह 11 बजे आ चुका है, 4:30 बज रहे हैं, अभी हमने वो फ़ोन लिया नहीं है, लेकिन वो फ़ोन आ चुका है तो हम उसको जाके पिक कर सकते हैं। तो मतलब इनका फ़ोन 4 दिन के अंदर अंदर वो हमको नया मिल रहा है, वो भी रिप्लेस होके, क्योंकि उन्होंने जो है अपना इंश्योरेंस अच्छा वाला लिया था, लेकिन जो 15 प्रो मैक्स है इस पे हमको 9,000 रुपये पे करने पड़ेंगे, फिर नया फ़ोन आएगा, और अब जो है हमें इसको भी भेजना पड़ेगा ताकि ये फ़ोन भी ठीक होके आ जाए, कि इसकी इंश्योरेंस भी ख़त्म होने वाली है। तो भाई आईफोन लेते हैं उसके आगे अराउंड खर्चा बहुत रहता है अगर आप इंश्योरेंस ना लो तो, और इनके इंश्योरेंस में एक बेनिफिट और, आप कितनी भी बार तोड़ लो हमेशा हर बार आपको नया फ़ोन मिलेगा रिप्लेस, वो भी फ्री मिलेगी सब कुछ, आपको कुछ भी पे नहीं करना। तो हम जब भी फ़ोन लेते हैं हम ये इंश्योरेंस ज़रूर लेते हैं, तो अगर आप भी आईफोन यूज़ करते हो तो आप भी अपनी जो है इंश्योरेंस अच्छी लो, तो क्योंकि इन फ़ोन के जो पार्ट्स आते हैं वो बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं। और अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ क्योंकि हम लोग जा रहे हैं मॉल, मॉल क्यों जा रहे हैं वो चल के आपको कार में बताएंगे। आप बच्चे कह रहे हैं कि हम तभी खेलेंगे, पहले आपको खाने का देंगे, पटाखे फोड़ो कह रहे हैं, किसी को भी कर लो, वाह सबसे ऊपर वाला है आज, गाड़ी बाहर ही ऐसे करा। तो गाइस अभी जो है हम लोग कहीं जा रहे हैं, ठीक है कहाँ जा रहे हैं वो अभी मैं आपको नहीं बता सकती हूँ, हमने वैसे सब कुछ मतलब सब कुछ बुक वगैरह सब हो गया है, सब प्लान्ड है, ठीक है नितिन और शिवानी भी हैं हमारे साथ, ठीक है तो अभी हम कहाँ जाएंगे, जहाँ हम जाएंगे उसके लिए आज हम शॉपिंग करने जा रहे हैं, हम थोड़ा जल्दी जा रहे हैं, हमने थोड़ा मतलब एक हफ्ते बाद जाना है जहाँ पर हम घूमने जा रहे हैं, लेकिन हम शॉपिंग आज कर रहे हैं क्योंकि इफ बाय चांस अगर हमको कुछ पसंद नहीं आया तो हम ऑनलाइन मंगवा सके, ताकि क्योंकि पर हम चाह रहे हैं हमारा प्रायोरिटी ये है कि हमको ऑफलाइन मिल जाए, क्योंकि समझ में आ जाता है कपड़े की कैसा लुक आ रहा है क्या आ रहा है, तो हम लोग प्रोमनाड जा रहे हैं क्योंकि प्रोमनाड में H&M भी है जारा भी है, और कुछ नहीं पसंद आएगा तो वहाँ पर छोटे से लेके बड़ा ब्रांड जो हम पहनते हैं जैक एंड जोन्स वगैरह सब कुछ है वहाँ पर, तो इसलिए हम प्रोमनाड जा रहे हैं, क्योंकि अगर CP जाएंगे तो वहाँ सिर्फ H&M है, वहाँ H&M में कभी कुछ समझ नहीं आया तो फिर हम वापस पैसिफिक मॉल जारा के लिए नहीं जा सकते, सबसे बेस्ट हमको लगा एक ही बार चलते हैं प्रोमनाड, वहाँ पे कुछ भी होगा भाई कहीं ना कहीं से तो खरीद ही लेंगे, तो इसलिए हम प्रोमनाड जा रहे हैं, और होपफुली जो है आज हमको पसंद आ ही जाएगा कुछ ना कुछ, मेरी शॉपिंग हो चुकी क्योंकि मैंने अपना ऑनलाइन सारा सामान मंगवा लिया है, लेकिन इनकी शॉपिंग करनी है तो इसलिए अभी हम
चलते हैं। हमने जतिन को भेज दिया है मयूर विहार से पिक करने के लिए हमारा फ़ोन, क्योंकि आज फ़ोन आएगा। पहले उसका मतलब ये वाला जो डेटा इसमें नए है, कुछ चीज़ें ऐड हुई हैं एप्पल आईडी में, ये ट्रांसफ़र करेंगे उसमें, उसके बाद इस फ़ोन को भी भेज देंगे। अब ये फ़ोन देखते हैं, ये फ़ोन भी ड्रॉप कराना पड़ेगा तो बड़ी बड़े पंगे हैं। तो अभी क्या करते हैं, पहले वो फ़ोन आए तब इस फ़ोन को भी ठीक कराते हैं। हमारे फर्स्ट स्पॉट ज़ारा पे आ चुके हैं, हमारा फेवरेट स्पॉट। अब यहाँ पे देखते हैं हमें क्या पसंद आएगा क्या नहीं। ये क्या 3 साल पहले गया था, अभी भी हाँ भाई। हमें जो है कुछ समझ नहीं आया ज़ारा में, जब आगे H&M और जो समझ आए भी थे वो बहुत ओवर रेटेड लग रहे थे हमें, इसलिए फिर हम वापस अपना H&M। लड़कियों का यहाँ पे ऊपर है, फर्स्ट फ्लोर पर होगा, चलो यहाँ से स्टेज है। लड़कियाँ पूरे इंटरेस्ट से उनको बताती हैं क्या पहनो क्या ना पहनो, और वहीं जब लड़कियाँ शॉपिंग करते हैं तो लड़के एकदम साइड में आ जाते हैं। जो हमें कुछ कपड़े पसंद आ गए हैं और हमने ले भी लिए हैं, पर अभी कुछ की हमारी पेयरिंग्स नहीं हुई है, तो अभी हम दूसरे स्टोर जाके देखेंगे कि अगर हमें उसके साथ का पेयर का मिल जाए। राइट, हाँ हम लोग यूनिक्लो भी आए, लेकिन हमें यहाँ पर भी जो है जो हमें चाहिए था आउटफिट पूरा करने के लिए वो नहीं मिल पाया है। कोई बात नहीं, मिंत्रा जिंदाबाद नहीं, चलते हैं। चलो अभी हम आए हैं फूड कोर्ट में और मैं अपने अलायंस यहाँ पर उतार दें क्योंकि मैं जा रही हूँ खाने, तो खाने से पहले अलायंस उतारने पड़ते हैं, तो ये उतार दें आप, चलते हैं। हमें टेबल भी मिल गया तो हम यहाँ पे बैठ गए हैं। भाई मैं एज यूजुअल अपना डोसा लेके आ गई हूँ यहाँ पे, वो सीपी वाली दुकान तो नहीं है, सागर रत्ना से ही खाएंगे, बहुत टेस्टी लग रहा है। भाई इनका फ़ोन भी आ गया है, जतिन ले आया था, देख लो भाई खोल के। अब करना पीछे, करना पीछे पीछे, देखो बिल्कुल नया हो गया है। तो भाई हम लोग आ गए थे घर, हमने चेंज वेंज सब कर लिया है, और ये देखो स्पीड में आया भागता भागता। सो गाइस अब हो चुकी है रात और आज के व्लॉग को करते हैं यहीं ख़त्म। वी होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।